जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आज हम T20 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट और टेस्ट मैच के अंदर पावर प्ले अगर होता होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। देखें, पावर प्ले क्या है, अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं इसको लेके। पावर प्ले जो है ये, अगर मैं बड़े ही आसान वर्ड्स में इसको आइडेंटिफाई करूँ तो ये फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन है। यानी फील्डिंग को, फील्डर्स को लेके क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लागू हैं एक टीम के ऊपर, इसका नाम पावर प्ले है, यानी फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन। वनडे मैच के अंदर कुल 3 पावर प्ले होते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पावर प्ले के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पावर प्ले जो होता है वो फर्स्ट ओवर से 10वें ओवर तक रहता है। फर्स्ट ओवर से 10वें ओवर तक रहता है पहला पावर प्ले वनडे के अंदर। और इस पावर प्ले के अंदर रूल ये होता है कि ओनली 2 फील्डर जो हैं वो अलाउ होते हैं 30 यार्ड के सर्कल के आउटसाइड। ठीक हो गया कि जो पहला पावर प्ले है उसमें सिर्फ 2 फील्डर अलाउ हैं कि 30 यार्ड के सर्कल से आउटसाइड खड़े हो सके। जैसे हमारे पास ये एक पिच है और इस पिच के अंदर 30 यार्ड की लाइन ये है, तो ये हमारी जो ग्राउंड है क्रिकेट का वो है। तो ये जो 30 यार्ड का सर्कल है इससे बाहर सिर्फ 2 फील्डर जो हैं वो अलाउ हैं, सिर्फ 2 फील्डर अलाउ हैं इससे बाहर। यह फर्स्ट पावर प्ले है वनडे इंटरनेशनल का, जो कि पहले आवर से लेकर 10वें आवर तक रहेगा। उसके बाद सेकंड पावर प्ले आ जाएगा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का। तो सेकंड पावर प्ले स्टार्ट होगा जो 11वें आवर से 40 ओवर तक, ठीक है। तो ये दूसरा वाला पावर प्ले स्टार्ट हो चुका है। इसका जो रूल है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ 4 प्लेयर जो हैं वो 4 फील्डर जो हैं वो अलाउ होते हैं कि आप उन्हें 30 यार्ड सर्कल के आउटसाइड भेज दें, इससे ज़्यादा आप नहीं भेज सकते। तो ये सिर्फ 4 फील्डर जो हैं वो अलाउ हैं। तो ये हमारे पास सेकंड पावर प्ले है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का। कितने हैं? 4 फील्डर अलाउ हैं। और ये कब तक होता है? 11वें ओवर से 40वें ओवर तक। ये मैं फिर से आपको बताती हूँ। देखें, ये हमारे पास पिच है और ये 30 यार्ड की लाइन से बाहर सिर्फ 4 प्लेयर जो हैं वो अलाउ हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे थर्ड पावर प्ले के बारे में। थर्ड पावर प्ले वनडे इंटरनेशनल के अंदर इसके क्या रूल हैं? थर्ड पावर प्ले स्टार्ट होगा 41वें ओवर से। यहाँ मैं बता रही हूँ कि थर्ड तीन पावर प्ले होते हैं वनडे इंटरनेशनल में। तो थर्ड पावर प्ले स्टार्ट होता है 41वें ओवर से 50 ओवर तक, यानी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा ओवर इसके अंदर। 41वें ओवर से 50 ओवर तक सिर्फ 5 प्लेयर जो होते हैं वो अलाउ होते हैं कि आप 30 यार्ड सर्कल के आउटसाइड भेज सकते हैं। ठीक हो गया, 30 यार्ड। तो देखें, तो अगर 41वां ओवर जा रहा है और 50 ओवर के मिडवीन ओवर जा रहे हैं तो सिर्फ 5 जो हैं वो अलाउ हैं कि आप उनको भेज सकते हैं। ठीक हो गया। T20 क्रिकेट के अंदर हम सब जानते हैं कि जो पहले के 6 ओवर होते हैं, फर्स्ट 6 ओवर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा, जो फर्स्ट पावर प्ले है वो बहुत मैंडेटरी है, यानी कि वो तो होगा ही होगा। फर्स्ट पावर प्ले तो T20 में होता है और उसमें ये होता है कि ओनली 2 प्लेयर जो होते हैं वो अलाउ होते हैं 30 यार्ड सर्कल से बाहर जाने, सिर्फ 2 प्लेयर। और ये कब से कब तक होता है? ये सिर्फ पहले 6 ओवर्स तक होता है। कब तक होता है? पहले 6 ओवर्स तक होता है T20 का पावर प्ले, नहीं भूलना आपने। और सिर्फ 2 प्लेयर अलाउ होते हैं आउटसाइड द 30 यार्ड सर्कल T20 क्रिकेट के अंदर। 6 ओवर्स के बाद फिर क्या होगा? जैसे ही 7वां ओवर स्टार्ट होगा तो फिर एक रूल लागू होता है इसके ऊपर। 7वें से 20वें ओवर तक एक रूल इसके ऊपर लागू होगा कि सिर्फ 5 प्लेयर जो हैं, ओनली 5 प्लेयर जो हैं वो आपको अलाउ हैं कि आप उनको 30 यार्ड के सर्कल से आउटसाइड भेज सकते हैं। 7वें ओवर से 20वें ओवर तक सिर्फ 5 प्लेयर अलाउ हैं जो कि 30 यार्ड के सर्कल से बाहर जा सकते हैं T20 क्रिकेट के अंदर। और पहले 6 ओवर पावर प्ले हैं जिसमें सिर्फ 2 अलाउ होते हैं। तो ये है T20 क्रिकेट का फॉर्मेट पावर प्ले के लिहाज से। अब टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं पावर प्ले के लिहाज से। टेस्ट क्रिकेट के अंदर कभी कोई आपसे पूछे कि पावर प्ले होता है तो आपने कहना नहीं होता। तो ये है मेरी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आपने।